आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ क्या होनी चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ के लिए कितना यूजफुल है। हेलो एवरीवन, आई रितिक लालवानी वेलकम यू ऑल ऑन इनास्को डिजिटल यूट्यूब चैनल। व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन? वैसे तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मगर एक बात जरूर ध्यान में रखिए, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका फोकस कीवर्ड जरूर आए और उसकी लेंथ ज़्यादा ना हो। चलिए आसान भाषा में बात करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट ब्रीफ है जिससे हमें पता चलता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और आपके ब्लॉग में किस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। जैसे कि एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में ये आइडिया लग सकता है कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रही है। चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च रिजल्ट पे कहाँ पे शो होता है। सर्च पे और क्वेरी डालते हैं ईयरबड्स ऑनलाइन। आप देख पा रहे होंगे फ्लिपकार्ट का ईयरबड्स पेज शो हो रहा है और सर्च रिजल्ट में ये दिख पा रहा है कि जो ब्लू कलर में जो है वो हमारा टाइटल है और नीचे हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो अब तक हमने ये जाना कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च रिजल्ट पे कहाँ पे शो होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आपके मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 120 टू 160 कैरेक्टर्स होनी चाहिए या फिर ये 920 पिक्सल्स होनी चाहिए। हाउ टू मेजर मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ विद द हेल्प ऑफ टूल? आप मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ एक टूल की मदद से चेक कर सकते हैं। उस टूल का नाम है hirevisibility.com स्निपेट ऑप्टिमाइजर टूल। इस टूल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन? अब हम ये जानेंगे कि एसईओ फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट सपोज हमारा ब्लॉग का टॉपिक है टॉप 10 मोबाइल ब्रांड्स इन वर्ल्ड। अब इसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है? टॉप 10 बेस्ट मोबाइल ब्रांड्स इन वर्ल्ड, लेट्स लर्न मोर अबाउट देयर प्राइसेस, देयर रेंज एंड चूज द बेस्ट मोबाइल फॉर योरसेल्फ। ये डिस्क्रिप्शन हमने क्रिएट किया जिसमें हमने हमारा फोकस कीवर्ड टॉप 10 बेस्ट मोबाइल ब्रांड्स इन वर्ल्ड का भी यूज़ किया। इसके अलावा हमने उसके एक लाइन ऐड की जिसमें हमने ये इन्फॉर्मेशन दी कि इस ब्लॉग किस बारे में है। इसके अलावा हमने फोकस कीवर्ड एक बार यूज़ किया है, आप चाहे तो इसे ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस डिस्क्रिप्शन को अपने टूल में डाल के चेक करते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन को अपने टूल में पुट करते हैं। लेट्स सी, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है प्रीव्यू में। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि डिस्क्रिप्शन कैची बनाए जिससे यूज़र मजबूर हो जाए आपकी साइट के लिंक पे क्लिक करने के लिए। ऐसा कई बार होता है कि हम कोई क्वेरी डालते हैं और सर्च रिजल्ट पे कोई और डिस्क्रिप्शन शो होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गूगल क्वेरी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन शो करता है और ये गूगल अपने अकॉर्डिंग ही करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और एसईओ की फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।